आज प्रार्थना हवात उपस्थित थका मानवर विश्व स्वामी राइद्रबरेन माइकल आकाशी स्तप्प बैद्य निरंदा तिरिकी आदरणीय फादार सिस्टार आरो विश्वास ख्रीष्ट विश्वासी भाई भनी हकल आपनालोक सकलुके प्रभु यीशु ख्रीष्टर नामत आगबढ़ाइछु जय जीशु। मैं भिनसेन राभा टेपाखाल राभा मंडली अम्बागाव पारिसर आज प्रार्थना सभात आपनालोक प्रभु यीशु ख्रीष्टर नामत आमंत्रित करिलु। এই বছর পোপ ফ্রান্সিস আমার গোটেই পৃথিবীর ক্যাথলিক বিশ্বাসীসকলের কারণে সন্ত জোসেফ বছর ঘোষণা করিলে, যাতে আমার খ্রিস্ট বিশ্বাসী সকলে সন্ত জোসেফর পবিত্র পরিয়ালর নমুনা আকোয়ালি লব পারে আর বিশ্বাসের জীবন, মিলাপ্রীতির জীবন আর পরিয়ালর জীবন আদর্শবান হিসেবে কটাব পারে। আহক এতিয়াই আমি এই পূজন বিধি যীশুখ্রিস্টর নামত আগুয়াই লৈ যাওঁ। পিতা আর পুত্র আর পবিত্র আত্মার নামত আমেন। সন্ত জোসেফৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। হে সন্ত জোসেফ, আমি নিজৰ দুখ আৰু কষ্ট আপোনাৰ ওচৰত আহিছো আৰু আপোনাৰ পতি পবিত্ৰ পত্নীৰ পৰা সহায় নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে। আপুনিতো ঈশ্বৰৰ পিতৃ, নিষ্কলংক কুমাৰীৰ পৰা পবিত্ৰ প্ৰেমৰ দ্বাৰা সংযুক্ত থকা। আপুনি পিতৃৰ প্ৰেমেৰে শিশু যীশুৰ প্ৰেম কৰে। আপোনাৰ সেই মহান প্ৰেমক স্মৰণ কৰক। আমি হাত জোৰ কৰি আপোনাৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে খ্ৰীষ্টই নিজৰ তেজেৰে যি লোকক বচালে সেইসকলক কৃপা দৃষ্টি কৰক। আপুনি আমাৰ সকলো আৱশ্যক আমাৰ নিজৰ শক্তি আৰু সহায়ৰ দ্বাৰা সম্ভালক। হে পবিত্ৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষ যীশু খ্ৰীষ্টৰ মনোনীত সন্তানসকলক ৰক্ষা কৰক। হে অতি প্ৰেমী পিতা,
जोसेफर ऊर प्रार्थना सन्त पिता फ्रांसिस हे मुक्तिदाता रक्षक तुम जय हमारी ईश्वरे तुम एकम्र पुत्र अर्पिले तुम मनिमय निजर भरोसा रखिले तुम ख्रीष्ट एक मानव हल आमको निजे पिता रूप देखुला और जीवन पथ আমার পথ দর্শক হই আমার কৃপা দয়া আর সাহস দিয়া আর সকল বেয়া করা আমার বসুয়া আমিন। आइए हम आज का बाइबल पाठ सुने। संत मत्ती का अध्याय एक पद संख्या 19 से 20 तक, अध्याय दो 13 से 15 और 19 से 23 तक। उनका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए बालक और माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मारवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा बालक तथा उसकी माता को लेकर इसराइल देश चला गया। उसने सुना कि अर्खिलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने से डर लगा और सपन में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नमक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नजरी कहलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय बिशप स्वामी, फादरगण, सिस्टरगण, माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे विश्वासी साथियों, मैं मिरंदा पूर्ति टंगला पारिस से आज संत जोसेफ के विषय में आप लोगों के सामने थोड़ी कुछ बातें बताने जा रही हूँ।
क्या आप लोग सपने में विश्वास करते हैं? हम सपना देखते हैं, पर कई सपना ऐसे होते हैं जिनका मतलब नहीं होता, और कई सपने ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब होते हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमें उन सपनों का मतलब समझ में आए और हम उसमें अमल करें। आज के पाठ में हम लोग सुने कि किस तरह संत जोसेफ को बार बार सपना में मिलता है कि उन्हें परमेश्वर की योजनाएं किस तरह पूरी करनी चाहिए। पहला सपना जो यूसुफ को दिखाई दिया वह यह था कि जब यूसुफ चुपके से सोच रहा था कि उन्हें मरियम को त्याग देना चाहिए क्योंकि मरियम गर्भवती थी, पर रात को स्वर्गदूत आकर यूसुफ से कहती है कि आप मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डरिए, क्योंकि जो बालक मरियम के गर्भ में है वह स्वर्ग पवित्र आत्मा से है। फिर संत यूसुफ मरियम को अपने यहाँ ले आती है। फिर दूसरी बार जब राजा हेरोद बालक यीशु को मार डालना चाहता है, उस वक्त भी संत यूसुफ को सपना द्वारा स्वर्गदूत आकर बताते हैं कि उन्हें मरियम और बालक को लेकर मिस्र देश चले जाना चाहिए क्योंकि हेरोद बालक को मारने के लिए ढूंढ रहा है। और यूसुफ रातों रात उठकर मरियम और बालक को लेकर मिस्र देश भाग जाते हैं। फिर हम सुनते हैं तीसरी बार भी जब राजा हेरोद मर जाता है तो संत जोसेफ को फिर सपना में दिखाई देता है और स्वर्गदूत उन्हें बताते हैं कि जो राजा हेरोद जो बालक यीशु को मारना चाहते थे उनका मृत्यु हो गया है और वह अब मिस्र देश से वापस नाजरेत शहर जा सकते हैं। और इसी तरह संत जोसेफ को हर बार सपने में बताया गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, और संत जोसेफ यह सब आज्ञाओं का पालन करते हुए पिता ईश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। मैं आज मेरे जीवन में घटित एक घटना आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा कि हम रोजरी जरूर करें, हमें रोजरी प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए। मई महीने की रोजी प्रार्थना के बाद हम लोग रोजरी बोलना छोड़ दिए थे, पर जून महीना आते ही पहली रात को ही मुझे सपना में दिखाई दिया कि एक बुरा आदमी हमारे घर आया और मैं और मेरे कई साथी उस बुरा आदमी को आंगन में बड़ी सी रोजरी लेकर बांध रहे हैं। इस सपना को देखने के बाद दूसरे ही दिन मैंने अपने पति को बताया और उस दिन से आज तक हम लोग रोजरी प्रार्थना करते हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम रोजरी प्रार्थना कभी ना छोड़ें। हमारे धर्म पिता संत पापा जो कि हमारे पूरे विश्व की धर्ममंडली को देखभाल करते हैं, उनके जीवन में भी बहुत बार छोटी बड़ी कठिनाइयाँ आती है, समस्याएँ आती हैं जो उन्हें संभालने में या उन समस्याओं का हल करने में बहुत मुश्किल होता है। तब संत पापा अपने समस्याओं को एक पत्र में लिखकर संत जोसेफ की मूर्ति के नीचे रख देते हैं, और इसी तरह संत पापा को उनके समस्याओं का हल मिल जाता है। आइए हम भी संत पापा के लिए प्रार्थना करें, उन्हें भी हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। जब मैं कॉन्वेंट में थी तब हर साल हम संत जोसेफ का पर्व बहुत
धूमधाम से मनाते थे। उस वक्त एक सिस्टर थी, सिस्टर क्लेमेंटिना, जो अब हमारे साथ नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सिस्टर हमें बताती थी और कहा करती थी कि लड़कियों, अगर अगले जीवन में तुम शादी करने जा रही हो तो ज़रूर सेंट जोसेफ से प्रार्थना करो अपने अच्छे जीवन साथी पाने के लिए। तब हम लोग सोचते थे कि सिस्टर हमें क्या बोल रही है, पर अब सच में समझ आता है कि सिस्टर हमें जो बोलती थी सच थी। आज मुझे एहसास होता है कि मैंने एक अच्छा जीवन साथी पाया है। फिर हमें सिस्टर बताती थी कैसे हमें विनती करना चाहिए। हमें बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करने की बदले हमें तीर विनती करना चाहिए। तीर विनती मतलब छोटी छोटी प्रार्थनाएं, जैसे मरिया हमारी सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर, जिसु मरिया और जोसेफ, या प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। इन सब छोटी छोटी प्रार्थनाओं को हम जितनी बार सके दोहराते रहे अपने मन में, या हम काम करें या ही कहीं जाते रहे, हमारे मन में ये प्रार्थनाएं चलते रहनी चाहिए। तो इस प्रार्थना जो कि हम तीर विनती कहते हैं, तीर की तरह प्रभु के पास या मरियम के पास, हम जिसके पास भी प्रार्थना करते हैं, बहुत तेज़ी से पहुंच जाती है और हमें उस प्रार्थना का फल मिलता है। तो आइए आज हम सेंट जोसेफ से प्रार्थना करें और हमारे परिवार की, हमारे डायसिस की जो भी समस्याएं हो, बड़ी या छोटी, जो हमें समझ में नहीं आते हैं कि हम किस तरह समस्या का हल ढूंढे, तो हमें चाहिए कि हम सेंट जोसेफ से प्रार्थना करें। सेंट जोसेफ को अपनी कठिनाई अर्पित करें, उनके चरणों में रखें और ज़रूर सेंट जोसेफ हमें मदद करेंगे। आज की यह वक्तव्य मैं एक छोटी सी सेंट जोसेफ के आधार में गाना गाकर अंत करना चाहूँगी। सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, यीशु क्रिस्टोर पिता तुमी। सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, यीशु क्रिस्टोर पिता तुमी। जोसेफे जोन हादारुन मानु ईश्वरे त्योक बासिलोले, हे ईश्वर और मोहन कृपा, सेंट जोसेफ होल क्रिस्टोर पिता, सेंट जोसेफ होल क्रिस्टोर पिता, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ, यीशु क्रिस्टोर पिता तुमी, यीशु क्रिस्टोर पिता तुमी, यीशु क्रिस्टोर पिता तुमी। धन्यवाद। जय यीशु। Ketilni bia o salgo dong ba chia pa ni bim korong tala ni tok china nang isong nok ba china salgo da gul sak bening goda sok china king islan tini chan ka tendalan bo ara chingna gro nang ga barang chiu ta ching gro rang ko at bo ara ching ko dak ma jo nar mang na bin di ban jo chin jo to amin sagrini salam salam maria kasan ga ba ketil ba sam chiri se gunan patiman ga pa ara satutni biti pathe man gaba jisu rong talba mare sol ni ma chna pa phiro nei chak bo dar chen sro amen wata darang ni niam sal gi rak da bla srang ba phag pai solo gi bira aro ni sa sam de pan ti an chin gi tel jisu kristo jen gi sig rong tal gaba chi ko tok ma na ha metra mare wa chi ha pon ti plan o duk chaka ha chi solo sro man ra sia ko ko pak ma na ha wa ne
nangaha gatham ba salosun chapla ha wa sarisiga tanga ha blak sarang ba phakwe sile jakra singa ununi thang bara simra ko bichal kanar ba thaigin anga gisig rong thorong thorong katolik mondolio orong thalbanang granio phawatanio bin chapla nio ar jing jrat ni jangura amen jing jrat ni apa ning ni khasa big ba de pan ki chingni gtel jisu kristo ni be naran chi ko jang geri sol ani ko chang nera gmok ni pap ni saja ko ta chang nang nan khang a jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko jisu kristo ni du kar sakna ni na chang nara gmok na khasa cha ko ए जय जुग ईश्वर आमरेन दुलड़िया हपन आर आलेरेन प्रभु जीशु ख्रीस्ट आलिया आर जतो मानवा कुआ कईरिया पुरुछुन नितुम तेम समांगे आया हड़मो मयाम आर ईश्वर तीन इन समांगाम कना जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में जीशु आहार की ससित इयते आले आर धरती रेन को दया वाले में ओ जोंनि अरायनि अननायनि आफा जों नोंनि अनजालु बिसा जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मोदोम आरो थैखौ जिउमा आरो नख्रांनि गुनखौ जोंनि आरो दुलाराय बुहुमनि पापफोरखौ सुस्रानो थाखाय नोंनियाव गथायो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो जिसुनि दुखु गोनां सैनानायनि थाखाय जों आरो दुलाराय बुहुमनि सायाव अनदो हे अनादि अनन्त ईश्वर প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা আমাক রহমত সমান যদি দেয়া করা প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা আমাক রহমত সমান যদি দেয়া করা প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা আমাক রহমত সমান যদি দেয়া করা প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা আমাক রহমত সমান যদি দেয়া করা প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা আমাক রহমত সমান যদি দেয়া করা প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা আমাক রহমত সমান যদি দেয়া করা প্রভু ঈশ্বরকে আরোগ্য স্মরণ দ্বারা
करा। हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के पावन शरीर और आत्मा और स्वतंत्रता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। আরোগ্য আর সুরক্ষার কারণে প্রার্থনা। হে সর্বশক্তিমান আৰু দয়ালু ঈশ্বৰ, জগত সৃষ্টিকর্তা, এই জগত কোভিড-19 আর সংক্রমণের কারণে বিষ আর বেদনা অথবা চিন্তা আর নিশ্চয়তাৰে ভরি পৰিছে। আমি তোমাৰ ওচৰত প্রার্থনা করছি যে আমাক সহায় কৰা, আৰোগ্য আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা। হে পিতা, লোকবিলাকক, গৰীবক, ভোকাতুৰক, গৃহহীনতা আৰু কৰ্মহীনতাক সহায় কৰিবৰ বাবে নিয়োগ কৰা। হে জীৱনদায়ক পিতা, যিয়ে মৰি গ'ল তেওঁক অনন্ত জীৱন প্ৰদান কৰা। হে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট, জগতৰ মুক্তিদাতা, নিজৰ পবিত্ৰ তেজেৰে এই জগতক পবিত্ৰ কৰা তথা ইয়াৰে আৰোগ্য আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা। সকলো চিকিৎসা কৰ্মী আৰু স্বাস্থ্য কৰ্মী মন আৰু আত্মৰ পথ দৰ্শন কৰা, যিহেৰে তেওঁলোকে ৰোগীৰ চিকিৎসা নিজৰ পূৰ্ণ শক্তি আৰু শৰীৰৰ সৈতে কৰিব পাৰে। হে পবিত্ৰ আত্মা, জগতৰ প্ৰতিপালক, আমাৰ নেতাসকলক নীতিগত আৰু দুৰ্নীতিৰ আঁকি প্ৰদান কৰা, যিহেৰে তেওঁলোকে প্ৰেম আৰু দয়াভাৱেৰে পৰিচালিত হৈ এই সমস্যা দূৰীকৰণৰ উপায় উলিয়াব পাৰে। যিজন সংক্ৰমিত তেওঁক আৰোগ্য প্ৰদান কৰা, যিজন চিন্তিত, নিৰাশা আৰু হতাশাগ্ৰস্ত তেওঁক শক্তি, সাহস আৰু নতুন আশা প্ৰদান কৰা। হে পবিত্ৰ মা মাৰিয়া, মণ্ডলী আৰু গোটেই জগতৰ মা, আমি গোটেই জগতক বিশেষকৈ আমাৰ ধৰ্মগুৰু, ধৰ্মাধ্যক্ষ, সকলো পুৰোহিত, ধৰ্মমণিসকলক, ধৰ্ম সামাজিক সকলো আৰু বিশ্বাসীসকলক তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। প্ৰেমী মা, আমাৰ লগত থাকি আমাক শক্তি দিয়া আৰু আমাৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা। আমেন। হে পিতা হামারে, তুজো স্বর্গ মে হায়, তের নাম পবিত্র কিয়া যাওয়ে, তের রাজ্য আওয়ে, তের চাচো স্বর্গ মে হায়, ওয়েসে স্পিরিট পর মারে পড়িও, আমার প্রতিদিন কা রাজ মে দে, আর হামারে অপরাধ মে ক্ষমা কর, জেসে আমি আপনা প্রেদন কো ক্ষমা করতে, আর হাম কো পরিচয় মে না দান পরান দুরাই সে বাঁচা। আমেন। প্রণাম মারিয়াম, কৃপা সে পূর্ণ প্রভু তেরে সাথে, ধন্য তু স্ত্রীয়ং মে, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बराई हुए, जैसे वादी में थी अब और सदा रहेगी। आमीन।
हाहाकार जय गे धरती मदाड़ा रे परम दयालु पिता ईश्वर आज अम्बागा परिसर सको ख्रीष्ट विश्वासी भाई भनीस अपना शरण आम आंजेश्वर बस आम सकुए प्रीति प्रार्थना जुगे चेन्जेश्वर पर पवित्र पर नमूना आकुआई लबले चेस्ा कर प्रभु ईश्वर आज आम তোমাৰ চৰণত নিজকে সমৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ প্ৰভু আমাৰ সকলো পৰিয়ালক ঈশ্বৰ যিমান পৰিয়াল আছে তেওঁলোকক চেঞ্জেছপৰ নমুনাত চলিবলৈ আগ্ৰহ কৰা বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ জীৱন যেন পবিত্ৰ জীৱন কটাব পাৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত যেন এটা আদৰ্শ পৰিয়াল হিচাপে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে হে প্ৰভু ঈশ্বৰ আজি আমি তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আজি আমাক এই সুযোগ দিলা যে আমি সকলোৱে বিভিন্ন ভাষা জাতি সংস্কৃতি মিলি আমি একেলগে আহি তোমাৰ চৰণত আহি তোমাৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আমাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়া বিশেষকৈ আমাৰ ধৰ্মপ্ৰান্ত তেজপুৰ ডায়োচিছ আমাৰ বিশপ মাইকেল কাছিছক আৰু যিমানবোৰে এই প্ৰাৰ্থনা সভা চলাই লৈ গৈছে সেই সঞ্চালকসকলক আশীৰ্বাদ দিয়া যাতে তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি যেন সদায় বিশ্বাসত আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু এটা নমুনা খ্ৰীষ্ট জীৱন কটাব পাৰোঁ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ নামত
Amen. प्रभु अपने का अंगी हर हर वक्त परमेश्वर पितृ अपुत्र अपवित्र आत्मा आप लोग आशीर्वाद प्रदान करो. आमेन. जय यीशु. जय यीशु. अपना लोकक सकलके जीशुर नाम प्रणाम. आजिर हरागर हराय पाटनीते परम पिता ईश्वर प्रणाम और धन्यवाद जासिलु. आजिर प्रार्थनार सभा भाग लब परा माननीय फादर सिस्टर तथा पिता माता भाई भनी सकलके आग बढ़ाई जीशु जाय जीशु. तेजपुर धर्मप्रांतर मान्यवर बिशप स्वामीदेव धर्मप्रांतर जरिए ऑनलाइन जुगे भाग लब पराको व्यवस्था कर दिसे. तार फलते आमी आमाग परिषद सकलो विश्वासी पिता माता भाई भनिये उक्त प्रार्थना सभा भाग लब पारिसु. तार बाबे धर्मप्रांतर मान्यवर बिशप स्वामीक आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करिसु. आमार परिषद आहि प्रार्थना सभात जोगदान करि उपस्थित भाई भनी सकलोके प्रभुर बाणी बिलाय मनत आनंद आरु विश्वासर प्रेरणा पाइसे. आदर आरु सम्मान राइट रेवरेंड बिशप माइकेल आकाशियस टप्पो तेजपुर धर्म प्रांतर बिशप स्वामी एस सी सी समितर सदस्य सकलो आरु आजिर प्रार्थनार सभात सन्त जोसेफ पर विषय उपदेश दिया आदरणीय बैद मिरांडा पूर्ति आरु जीशु ख्रीष्टर विश्वासी भाई भनी सकले एक पूजन विधित भाग लले. मैं जोनीबाड़ा आमाग पारिस हुई आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करिलु. आमार पारिसर फादर सिस्टर सकले जी हा सुविधा आग बढ़ाले तार बाबे सकलोके बहुत बहुत धन्यवाद जासिलु. शेषत आजि ए प्रार्थना सभात जोगदान करि कार्यसूची चलाय निया सहाय करा सकलो पिता माता भाई भनी सकलोलै आंतरिक मरम ओ धन्यवाद आग बढ़ाई फलागर हराय इति रेखा टानिलु. धन्यवाद. जय जीशु.